ये एक नया क्वेश्चन लिए हम लोग, उसमें दिया कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ टू ट्राइंगल, यानी दो ट्राइंगल लेंगे और कहता है कि दोनों ट्राइंगल का जो पैरामीटर का रेशियो है वो भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में उसके उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जिस रेशियो में है उसी रेशियो में उसका पैरामीटर भी आएगा। यानी जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है उसी तरह से पैरामीटर्स भी प्रोपोर्शनल होगा। अगर कोई दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है कि दोनों सिमिलर है, तो जो कोई भी दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल होता ही है, उसके साथ उसका पैरामीटर भी प्रोपोर्शनल हो जाता है। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रूफ कर लेंगे आराम से। तो हम दो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल इस साइड का लेंथ ए हो गया, इस साइड का लेंथ बी हो गया, इस साइड का लेंथ सी हो गया। यानी तीनों साइड का एक ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं और दूसरा एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये है पी क्यू आर। तो ये हो गया साइड पी, ये हो गया साइड आर, ये हो गया साइड क्यू। ये दो ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। और दोनों ट्रायंगल को हम मान लेते हैं ये दोनों जो है सिमिलर है। ठीक है ना, रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो दोनों को जब तक हम लोग मानेंगे नहीं है ना, तब तक नहीं होगा। टू सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ टू ट्रायंगल के लिखा गया है, टू सिमिलर ट्रायंगल। जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा ये रिलेशनशिप नहीं आएगा ना, तो इसलिए हमको मान के चलना होगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। तो हम लोग अब बनाएंगे सेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ए मतलब ये हुआ सी पी क्यू बाय आर इक्वल टू, उधर क्या हो गया बी सी, बी सी क्या है ए, ए अपॉन क्यू आर। तो पी हो गया और ए, ये हो गया हमारा बी, इसका क्या होगा ए क्यू बी बाई क्यू, एक ये हो गया हमारा। ठीक है, एक रेशियो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं सी बाय आर अपॉन ए बाय पी इक्वल टू बी अपॉन क्यू इक्वल टू, हम मान लेते हैं के, मतलब कांस्टेंट एक मान लेते हैं क्योंकि सब सेम है ना। तो मान लिए, अज्यूम कर लिए, क्या कर लिए, अज्यूम कर लिए कि ये सब के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं जरा ए बी सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा इधर, तो C बाई आर इक्वल टू के। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा A बाई पी इक्वल टू के एंड B बाई क्यू इक्वल टू के। ठीक है, तो C इक्वल टू हो जाएगा के आर, A इक्वल टू हो जाएगा पी के या के पी, के पी के रखो इधर के पी एंड बी इक्वल टू के क्यू। ठीक है, अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय टू, सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय टू। पेरीमीटर क्या है, हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द साइड्स। पेरीमीटर मतलब सॉरी पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स होगा, तीनों साइड को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, यही ना है, तो यही निकालना होगा। अब इसका जो है जैसे साइड का रेशियो निकाले हैं इसी तरह से पेरीमीटर का भी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर का निकालेंगे अपने पता चल जाएगा। तो पेरीमीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमको इतना फिर से हम लिखेंगे, जगह की कमी है, तुम लोग जो है पहले लिख लेना ये दोनों, तब फिर डिवाइड करना। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर देते हैं आराम से। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी रेशियो लिख दिए, बहुत आसानी से हमारे लिए हम लिख लिए, तुम लोगों को और एक लाइन आगे लिखना फिर से ये रेशियो बनाना है। अब देखो ए का वैल्यू कितना है के पी, बी का वैल्यू कितना है के क्यू, सी का वैल्यू कितना है के आर, नीचे क्या है पी प्लस क्यू प्लस आर। अब ध्यान से देखो तीनों में के कॉमन हो जाएगा तो के कॉमन होगा पी प्लस क्यू प्लस आर होगा, नीचे क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस आर होगा। अब ये दोनों तो सेम है तो कट जाएगा कि नहीं, तो क्या बचा हमारे पास के। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर कितना आया के, रेशियो ऑफ साइड कितना है के, तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन वन और ये मान लेते हैं इक्वेशन टू। अगर हम इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट सी बाई आर इक्वल टू ए बाय पी इक्वल टू बी बाय क्यू इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय पी प्लस क्यू प्लस आर। यही तो प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, यही ना प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, यही अल्टीमेटली हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये क्या है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, यही हमको प्रूव करना था और वो प्रूव हो गया। आगे एक लाइन और भी लिख सकते हो यहाँ पर, या इसके जगह पर लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इतना लिख देना है, हो गया फाइनल, बन गया। यही तो प्रूव करना था और ये बन गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हैव अ नाइस डे।